हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज आप सभी का स्वागत है। आज 2 फरवरी को हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अभी 1 फरवरी को अशोक लेलैंड में जैसी एक न्यूज आई कि 9% ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ हुई है। तो देखिएगा, जैसी ये न्यूज आई इसमें एकदम से हमें तेजी देखने के लिए मिली। तो देखिए, अगर मैं आपको उसका प्रीवियस क्लोज बताऊं तो देखिएगा 81.30 था, उसके बाद देखिए जैसे इसकी ओपनिंग हुई तो वो 81.75 था। उसके बाद देखिए, अगर आप गैप अप ओपनिंग की बात करें तो देखिए गैप अप ओपनिंग महज 45 पैसे की थी। उसके बाद देखिए जो उसने हाई बनाया 87.20 का, वो देखिए इसकी ओपनिंग से तकरीबन 5.45 रुपए ऊपर बना। तो देखिए ये इसका हाई था, और उसके बाद देखिएगा जो इसका लो था 80.85, तो उसकी ओपनिंग से जो इसने अपना लो बनाया था वो देखिएगा 90 पैसे नीचे बनाया था, यानी कि डाउन। और देखिए जो इसकी क्लोजिंग हुई 83.55, तो देखिएगा वो 1.80 रुपए ऊपर हुई क्लोजिंग। और अब मैं आपको बताऊं तो देखिएगा 162,000 बाइंग क्वांटिटीज लगी हुई है क्लोजिंग प्राइस पे। तो आप लगा सकते हैं, जो लोग इस तरीके की कैलकुलेशंस कर रहे थे कि ये शेयर जो है इस साल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या और भी कई सारी बातें, तो देखिएगा जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई वो 6,50,00,000 थी। और देखिएगा जो डिलीवरी क्वांटिटी हुई वो भी देखिएगा बहुत बढ़िया, 1,69,00,000 इसमें डिलीवरी हुई है, जो कि 26% के लगभग आपको डिलीवरी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे, उससे पहले इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा बीएससी पे अगर आप जाके इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए वन डे में तकरीबन ये 3% के लगभग आपको हाई मिलेगा वन डे के चार्ट पर। वहीं अगर मैं बात करूं वन वीक की, तो देखिएगा आपको ये तकरीबन देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताऊं देखिए 1.39% के लगभग वन वीक में ही आपको मिलेगा हाई। तो देखिए वन वीक वन डे दोनों में इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब वन मंथ में देख लेते हैं, तो देखिएगा वन मंथ की बात अगर मैं करूं तो देखिएगा ये 18% के लगभग 18.38% के लगभग डाउन है। उसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करूं आपसे ईयर टिल डेट की, तो देखिए ईयर टिल डेट में ये 18.38% डाउन है, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूं वन ईयर की, तो देखिएगा वन ईयर में आपको बताऊं तो ये 32.20% ये है डाउन, ठीक है, ये डाउन है। और तीन साल की बात कर ले तो देखिएगा तीन साल में ये 8.32% आपको मिलेगा डाउन, ठीक है, ये 8% आपको डाउन मिलेगा। वही देखिएगा अगर मैं बात करूं 10 इयर्स की, तो देखिए 10 साल में ये आपको सीधे अगर आप इसे देखें तो जो इसकी आपको मिलेगी ग्रोथ भाई बहुत बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी अच्छी है। देखिएगा आप देख सकते हैं तकरीबन सीधे अगर आप देखें तो देखिएगा 1087 अगर तरक्की हो तो ऐसी हो, यानी कि 1087% ये हाई है, ठीक है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है पूरी की पूरी जो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आइए देखते हैं, और मैं आपको बता दूं इसके फ्यूचर्स के प्राइस के बारे में, तो देखिए फ्यूचर का प्राइस भी बढ़िया वाली क्लोजिंग आपको दिखाई मिलेगी। और देखिए अगर आप देखें इसके फ्यूचर के प्राइस को और माइनस करें इसकी कैश मार्केट के प्राइस को, जो तो देखिएगा इसका बेसिस बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर रहा है, तो देखिएगा आगे भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपको बताऊं तो अगर आप इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो देखिएगा वो जो कि बढ़ा है, तो देखिए आपका फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है। तो देखिएगा इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं और जब काफी अच्छे हैं, क्योंकि अब इसको तेजी की कहीं ना कहीं आगे तेजी में ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिएगा बोलिंगर बैंड की बात करूं अगर मैं, तो देखिए इसके अपर बैंड की कैलकुलेशन अब आपको जो दिखाई पड़ेगी वो देखिएगा 87.68 के लगभग आपको दिखाई पड़ेगा। वही आपको अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आपकी जो मिडिल लाइन की कैलकुलेशन है वो देखिए 83.90 के लगभग आपको ये मिलेगा। वही देखिएगा अगर मैं लोअर बैंड की बात करूं तो 80.11% के लगभग ये आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ये लोअर बैंड की कैलकुलेशन है। और आप वॉलेटिलिटी आप खुद ही देख सकते हैं कितना वाइड स्पेस है यहाँ पर, देखिए वॉलेटिलिटी कितनी डेवलप हुई है, इस चीज को आप देख लीजिए सिर्फ एक न्यूज की वजह से जो कि पॉजिटिव थी। तो देखिए अगर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की बात करें या 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें या 50 की या 100 की, तो देखिएगा अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो बहरहाल तो अभी हमारी
9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे हुई है जो कि 84.41 पर है। वही अगर मैं बात करूं 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की तो देखिएगा अभी हम इससे भी नीचे हैं 89.10, लेकिन हमने 9 एक्सपोनेंशियल को तो कम से कम छुआ, तो इनको भी आप देख लीजिए, यानी कि एक एक लाइन को जैसे हम क्रॉस करेंगे उतनी उतनी तेजी हमें देखने के लिए मिलेगी। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की जो कैलकुलेशन है वो 96.94, वही 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की कैलकुलेशन है 105.06। तो आप खुद ही देख सकते हैं अभी फिलहाल हमने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को सिर्फ टच किया है, और ऊपर अगर आप देखेंगे जो तो जैसे हमने इसको टच किया है तो अगर आप देखें इसके बाद जैसे हम इसको पार करते हैं कहीं ना कहीं तेजी का मूव बनना चाहिए, और जिस जिस तरीके से हम एक एक लाइन की कैलकुलेशन को पार करते जाएंगे तो उसी तरीके से आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। चलिए मैं आपको अगर RSI के बारे में बताऊं तो देखिएगा RSI में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से आप खरीदारी मजबूती की तरफ जाती जा रही है, और ये देखिए जो स्केल है इसका 30 और देखिएगा 70 उससे देखिएगा कितने नीचे पहुंच चुकी थी अपने ओवरसोल्ड जोन को भी पार करके। आप देखिएगा धीरे 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 अब ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, देखिएगा आप यानी कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, और एक बार जैसी स्ट्रेंथ आएगी तो समझ लीजिएगा कि भाई मार्केट में दोबारा से जो ये लोग बोल रहे थे कि भाई ये 4 साल की साइकिल है और इस बार मंदी ही रहने वाली है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं लगता। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए अगर मैं MACD की बात करूं वनडे में तो देखिएगा इसकी स्ट्रेंथ अगर आपको अभी दिखाई पड़ेगी तो देखिए अभी वो माइनस में है, -508.08, तो ये इसकी अभी स्ट्रेंथ है जो कि नेगेटिव में दिखाई पड़ रही है। अब धीरे धीरे देखिए इसका मूव जो है देखिए ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ है, अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जाके जैसे क्रॉस ओवर होगा वन डे में देखिएगा ऐसे करके तो देखिएगा बहुत तकड़ी वाली बाइंग जनरेट होगी, और जैसे ये बाइंग जनरेट होगी उसके बाद आप देख लीजिए कैसे ये स्केल MACD की लाइन जो कि ये MACD की लाइन है, और ये जो रेड वाली लाइन है सिग्नल की लाइन है, सिग्नल की लाइन को जब भी MACD की लाइन नीचे से ऐसे करके क्रॉस ओवर करके ऊपर काटती है तो देखिए बाइंग जनरेट होती है, और जब इसका अपोजिट होता है तो सेल जनरेट होती है। फिलहाल तो अब जो जनरेट हो रहा है वो बाइंग की देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी मार्केट में तो हाल फिलहाल नेगेटिव ही सेंटिमेंट है, लेकिन जैसे ही क्रॉस ओवर बनेगा एक पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए पिवोट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा 15 मिनट का हमारा कैंडल्स लगा रखी मैंने, तो देखिए हम यहाँ पे कहीं ओपन हुए थे पिवोट लाइन के पास जो कि पिवोट लाइन 81.12 पर है, वही पहला रेजिस्टेंस था 82.68, दूसरा रेजिस्टेंस था हमारा 83.77। अब वही अगर मैं बात करूं आपके तीसरे रेजिस्टेंस के बारे में जो कि 86.42 था, तो आप देखिए देखने वाली बात क्या, जैसे पिवोट पॉइंट पे थे देखिए पिवोट लाइन ने हमें यहाँ पे स्टे कर रखा था, जो काफी अच्छी बात है, जितनी देर में यहाँ स्टे करते हैं उतने ज्यादा चांस ऊपर जाने के होते हैं। तो देखिए जैसे ही कैंडल बनी और देखिएगा किस तरीके से कैंडल बनी, इसने पहला दूसरा रेजिस्टेंस तोड़ा और तीसरा भी तोड़ा, लेकिन जैसे ही तीसरा रेजिस्टेंस तोड़ा तो देखिए ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही तीसरा रेजिस्टेंस एक साथ टूटता है तो फिर नीचे आना स्वाभाविक हो जाता है, उसलिए हम नीचे आए, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि हम दूसरे रेजिस्टेंस के भी ऊपर क्लोज हुए, हमारी क्लोजिंग यहाँ जाके हुई, तो देखिए ये काफी अच्छी चीज है। और देखिएगा हम सिर्फ पहले तीसरे रेजिस्टेंस से नीचे आए और अब देखिएगा ये सपोर्ट बन चुके हैं हमारे 83.77, ये एक वीक सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसी तरीके से आपका जो पहला रेजिस्टेंस था 82.68 ये आपके एक और आपके सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो चलिए आप चलते हैं आगे और देखिएगा हमने लाइन को डिस्कस कर लिया। अब देखिए फिबोनाची की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा जिस तरीके से ऊपर जा रहा है आप देख सकते हैं जो मैंने लेवल्स लगाया लोअर और टॉप का, तो देखिएगा जो हमारे पास है तो देखिए जिस तरीके से नीचे आया और देखिए 84 के लगभग आके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोजिंग हमें दिखाई, तो देखिएगा अब हम सिर्फ इस जोन पर है, यानी कि ये वाला जो जोन है 83.36, हो सकता है अगर हमने लो बनाया अगले दिन तो देखिए जो लो बनेगा वो देखिए 83.36 का बनेगा, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करके हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएं, और जहां तक आपको पॉसिबिलिटीज लग रही है देखने में वो देखिएगा हमारी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि हम 87.22 को टच करेंगे, ठीक है यहीं से हमारा बाउंस बैक हमें वापस मिलेगा और देखिए इसी से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम नीचे आते हैं तो 83.36 और वरना हो सकता है इसको भी हम नहीं स्टे किया रेस्पेक्ट नहीं करा तो देखिएगा 82.48 पर हमें यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर हम ऊपर जाएं, लेकिन जहां से देखने पे लगता है वो लग रहा है कि हम लोग यहीं से सीधे 87.22 की तरफ इधर के लेवल्स पे ऊपर जाएंगे। तो चलिए ये रिट्रेसमेंट की बात हो गई, वही अगर हम बात कर लेते हैं आप
अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चैन की, देखिए ऑप्शन चैन आपके सामने लगी हुई है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए बड़े प्लेयर जो है इसकी जो ऑप्शन चैन है अगले मंथ की देखने से पता चलता है कि इस स्टॉक में इतने ज्यादा दिलचस्पी उनकी नहीं है, क्योंकि वो कुछ खाली खाली सी है अभी, वरना आपको जहां पर भी मिलेगी ऑप्शन चैन अगले मंथ की भी लगा के देख लीजिएगा, अगर वहां पे भीड़ दिखाई देती है तो इसका मतलब लोग बड़े इंटरेस्टेड है वहां पे। तो देखिएगा अगर हम बात करें एट द मनी, अगर हम कहा है तो 82.50 और 85 के बीच में सबसे मजबूत सपोर्ट हमें पुट से पता चलेगा, रेजिस्टेंस हमें कॉल से पता चलेगा। तो देखिएगा हमारा सबसे मजबूत कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, देखिएगा यहाँ पर 15,24,000 के साथ टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे 5,96,000 की भी है क्या आपकी पुट राइटिंग, तो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस हमारा 75। वही अगर मैं बात करूं आपके जस्ट ऊपर, तो देखिएगा ये हमारा सेकंड सपोर्ट है जो 12,72,000 के साथ 5,60,000 के साथ दूसरा सबसे मजबूत सपोर्ट है जो कि 80 पर है। वहीं अगर मैं बात करूं देखिएगा यहाँ पर सबसे मजबूत रेजिस्टेंस की, तो देखिएगा सबसे पास एट द मनी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 19,12,000 के साथ आपका 85 पे सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है। वहीं आउट द मनी की हम ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा 49,60,000 के साथ सबसे ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस हमारा जो मौजूद है वो 90 पे है, यानी कि सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा 90 पे है। फिर एक एट द मनी के बाद जो 19,12,000 का रेजिस्टेंस है वो देखिए वो 85 पर है। तो देखिए इस तरीके के सिम्टम्स बने हुए हैं, बाकी हमें 85 पर बढ़िया वाली 3,00,000 के लगभग पुट राइटिंग दिखाई दी और 1,68,000 की 87.50 पर भी हमें एक पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर तो आपको बढ़िया वाली पूरे नीचे तक आपको दिखाई पड़ेंगे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है। फिलहाल अभी जो हमें फोकस रखना है वो 87.50 तक ही रखना है, यानी कि तकरीबन हमें 90 तक हम छू सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हमारा फोकस सिर्फ अभी इतना ही होना चाहिए 82.50 से 87.50 तक का, क्योंकि ये अभी इसी बैंड में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन मारेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।